नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में अमरोहा के हसनपुर में वकीलों ने नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी की और एसडीएम कार्यालय पर जुलूस निकाला। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्रशासन हाय हाय के भी नारे लगाए गए। तहसील बार हसनपुर के अध्यक्ष मेघराज सिंह के नेतृत्व में हसनपुर के अधिवक्ताओं ने तहसील प्रांगण से लेकर एसडीएम कार्यालय तक पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। तहसील कार्यालय से लेकर एसडीएम कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ताओं ने भाग लिया और जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर अध्यक्ष मेघराज सिंह ने हापुड़ पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर की गई लाठी चार्ज की जमकर निंदा करते हुए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शीघ्र मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। बार के महासचिव पीयूष शर्मा ने हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठी चार्ज की निंदा की। उन्होंने इस लाठी चार्ज को अमानवीय और हिंसक कार्रवाई बताया। पूर्व अध्यक्ष मुजाहिद चौधरी ने कहा कि लाठी चार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन्हें निलंबित भी किया जाए। हापुड़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को स्थानांतरित किया जाए। आज के विरोध प्रदर्शन में अध्यक्ष मेघराज सिंह, महासचिव पीयूष शर्मा, पूर्व अध्यक्ष मुजाहिद चौधरी, महिपाल सिंह, सुनील भटनागर, विनोद सक्सेना आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। वो बहुत निंदनीय है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, घोर प्रशंसा करते हैं के जो शांतिपूर्वक धरना देकर अपने चैम्बर पर जा रहे थे उनको निहत्तों को और लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा गया है। जी, जो हापुड़ में हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ में बिल्कुल शांतिपूर्वक बेचारे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने इतना घृणित कार्य किया है, उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया है और लाठीचार्ज उन्होंने इस तरह से करवाया है कि मतलब प्रशासन ने अपनी जो भी वो सीमा थी वो सब तोड़ दी। उन्होंने महिला अधिवक्ताओं के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है कि मतलब अगर उनका वीडियो देखा जाए तो आदमी का दिल फट जाएगा। मैं यार ये मांग करती है कि उन दोषी पुलिस कर्मियों को जिन्होंने लाठी चार्ज किया, जिन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया, जिन्होंने फर्जी मुकदमे कायम किए, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हो, उनकी गिरफ्तारी हो, जेल भेजा जाए, उनको निलंबित किया जाए और एक उच्च स्तरीय जाँच आयोग गठित करके इसकी और उच्च स्तरीय जाँच। बार काउंसिल के आह्वान पर आज ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है और ये चेतावनी मात्र है प्रशासन को, ये प्रशासन को चेतावनी मात्र है। अगर हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर हम अपने परिवारों सहित इस काले निजाम के खिलाफ धरना प्रदर्शन और जो भी होगा उसके लिए हम। जनपद हापुड़ में कल पुलिस और अधिवक्ता गणों के बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसको देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच हेतु शासन के द्वारा एक एसआईटी गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता मंडलायुक्त मेरठ रहेंगी तथा उस एसआईटी के अन्य सदस्य आईजी मेरठ तथा डीआईजी मुरादाबाद रहेंगे। इस एसआईटी को ये निर्देश दिया गया है कि अगले 7 दिनों में इस घटना के सभी पहलुओं की जांच करके उत्तरदायित्व का निर्धारित करते हुए अपनी रिपोर्ट तत्काल शासन को प्रेषित करें। इसके साथ साथ हमारे सभी बार काउंसिल के लोगों से हमारे जिले के अधिकारी टच में हैं और सबसे अपील है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन हर तरीके से अधिवक्ताओं तथा सामान्य नागरिकों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए संकल्पित है। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।